दुनिया में एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जंग कर रहा है और मुल्की सतह की अगर बात करें तो एक मज़हब दूसरे मज़हब के खिलाफ बयानबाजी और झगड़े फसाद आम बात है ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो इंसानियत के लिए काम करते हैं इंसानियत के ताल्लुक से लिखते हैं ऐसे ही एक मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार दास ये वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और इस वक्त वो बेंगलुर में मुकीम है इन्होंने किताब लिखी है फॉर ह्यूमैनिटी ह्यूमानज़म इस तल्ल से बात करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं सुनील साहब जिस तरह से आजकल का माहौल है आपने ये किताब लिखी है ह्यूमैनिटी फॉर ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिज्म ये किताब लिखने की कैसा सोचा आपने और आपका बैकग्राउंड क्या है इससे पहले आप कहाँ रहे हैं हाँ मैं बंगाल से ही हूँ जहाँ पे सिंगूर लैंड प्रॉब्लम हुआ था उसी एरिया में आ, मेरा माँ बचपन में गुजर गई ब्रेन स्ट्रोक में आ, उनको दवाई नहीं मिली मैं गरीब खानदान से हूँ बिलो प्रॉबर्टी लाइन हाँ उसके बाद आ, मेरे पापा दारू पी के मर गया हाँ लंग्स प्रॉब्लम तो मैंने कैसे जब मैंने नाइन्थ में पढ़ता था, था नाइन्थ स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल में मैंने जो मज़दूरी करता था ज़मीन पर पाँच रुपये में अभी मैं मालूम है गरीब घर के मैं हूँ मैंने इंसान हूँ मैं एक्चुअली पैदा हुआ, हुआ था मैंने है, तो मैं, मैं जो मुसलमान कम्युनिटी कहते हैं ना सत्यपीर हिंदू कहते थे नारायण उनका मानोज से मैं पैदा हुआ था मैंने सिंगुर में है उष्ट समझा नहीं क्या सत्यपीर मैं जो पैदा हुआ था किसी गॉड के आशीर्वाद में हाँ, वो मुसलमान लोग कहते हैं ना मुसलमान कम्युनिटी सत्यो पीर 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 पीर, बाबा हिंदू कहते हैं सत्योनारायण पूजा करते हैं उसके दुआ से मैं मा, मामी के साथ कोई बार गया हाँ, पिताजी के साथ कोई बार गया मैंने भी एक गया बाकी माहौल इतना खराब हो गया वहाँ पे मेरे को फिजिकली मेंटली टॉर्चर होता था बहुत सारे लोग एक ही घर को तबाह किया कम्युनिस्ट वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट बस कम्युनिस्ट को सारी दुनिया ऐसे ऐसा ना कर रहे हैं बाकी उन लोग लेके काम कर रहे हैं अच्छा ये बताइए आपने जो किताब लिखी है इस किताब का निचोड़ क्या है क्या लिखा है आपने इस, हाँ, इस मैं इंपॉर्टेंस दिया जो रविंद्रनाथ टेगोर कहा इंटायर वर्ल्ड दुनिया एक फैमिली है ये मानना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम होगा आगे उसको इंसानियतना स्टेप बाय स्टेप दूर कर लेना चाहिए दलाई लामा स्पिरिचुअल गुरु कहा सबसे बड़ा

कितने डेवलप किया साउथ इंडिया उनको देख के डेवलप किया है यहाँ पे महात्मा गांधी आए थे 1925 में साउथ इंडिया में आए थे मैड्रास में ई वी आर राम पेरिया उनको बता दिया यूरोप अमेरिका बहुत एजुकेशन है आ, बाकी आ, बाकी कैस्ट प्रॉब्लम मथुरा वृंदावन काशी क्यों कैस्ट प्रॉब्लम क्यों रिच पीपल पुअर पी के ऊपर टॉर्चर करते हैं क्यों अपर कैस्ट लोअर कैस्ट के ऊपर टॉर्चर करते हैं इंसानियत होना चाहिए उन्होंने गांधी को समझो बुझा के नॉर्थ इंडिया में भेज दिया उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट बनाया एक के एक के बाद एक बहुत सारे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आया और बहुत कुछ एजुकेशन दिया साउथ इंडिया एक रोल मॉडल बन सकते हैं पूरे इंडिया के लिए बाकी पंजाब भी कम नहीं गुजरात गोवा महाराष्ट्र भी ओके बाकी साउथ इंडिया यूनिक टोटली एजुकेशन जॉब इकोनॉमिक वेरी रियल थिंग दो हज़ार चौदह के बाद में एक नया हिंदुस्तान देखने को मिल रहा है लोग थोड़ा सा एक दूसरे के खिलाफ मजहब के खिलाफ बयानबाजी करते हैं कार्रवाई नहीं होती है तो अभी आप कैसा देख रहे हैं इस देश को सर so, मैं देख रहा हूँ यू सी किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए गुड एजुकेशन देंगे तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कम होगा uh. इंसानियत को पहचान पाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आ, हाँ हाँ यू किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए मेनटेनेंस जब दे रहा है सारे मेंटेनेंस दे रहा है एजुकेशन होगा तो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा एजुकेशन ऐसे एक बुनियादी है जो बहुत सारे सोसाइटी को चेंज कर देता है मीडियम ज़माने में बहुत कुछ हो गया था बाकी मॉडर्न ज़माने में सोच होना चाहिए इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहा हमारा जो सोसाइटी है एक आर्ट ऑफ लिविंग वे ऑफ लाइफ अच्छा मॉडर्न सोच रखना चाहिए हैं उस तरफ नहीं होना चाहिए किसी भी हालत तो में एजुकेशन को बढ़ावा बार दे आर एक्ट को ट्वेल्थ

अरे भाई क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम क्या फ़र्क क्या? है गुड एजुकेशन देंगे तो गुड एजुकेशन ही है भगवान जैसे है सब सो भी आ, आपकी जो किताब है आपकी किताब में आपने कितने टॉपिक लिखे हैं क्या डिटेल्स हैं मैंने बहुत डिटेल्स लिखा जो इंसानियत के बारे में लिखा एजुकेशन के बारे में लिखा मैंने मेडिसिन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए वेस्टर्न कंट्री जैसे दिया एजुकेशन और मेडिसिन मादा टेरेसा आए बहुत सारे मिशनरीज आए उनको बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट मजहब है वो मानते है आप भी मानिए मैं भी मानता हूँ बहुत सम्मान के साथ अभी आप देखे होंगे फिलिस्तीन और इसराइल की जो जंग हो रही है उसे कैसे देखते हैं आप मैं देखता हूँ वो इमीडिएट स्टॉप होना चाहिए सीज फायर होना चाहिए दोनों साइड जो हॉस्पिटल में हुआ बाढ़ हुआ उसको पनिशमेंट होना चाहिए जो भी करे उसको पनिशमेंट उसको सरेंडर करना होगा और वो उसको एक मीडिया बहुत स्ट्रांग है डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पिलर है यही कभी कभी बहुत सारे मिनिस्टर और पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा काम नहीं कर पाता और मीडिया बार बार उसको रेज करता है वॉयस को सो so, इसलिए जरूर उसको पानिसिपेट होना चाहिए मीडिया देखना चाहिए कौन किया कैसे किया आ, और जो जरूसलम है पवित्र प्लेस है तीनों रिलीजन निकल के आए सारे दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं रास्ता देख रहे हैं उस प्लेस को यू एन ओ इस्टेब्लिश हो नाइनटीन फोर्टी फाइव ट्वेंटी फोर अक्टूबर वो पीस के लिए पीस को मेंटेन और सिक्योरिटी को मेंटेन के लिए सो यू एन ओ को होना चाहिए वो जरूर ये जो आ, हमारा पांच परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का परमिशन लेके उसको अपना हाथ में ले जो गरीब लोग जो अच्छे पढ़े लिखा लोग ज़रूर पूजा करने के लिए जाएंगे पूजा करके घर लौटेंगे वहां पे कोई विपत्ति ना हो इससे पहले कोई बार विपत्ति हुआ युद्ध हुआ क्यों बच्चों को और पड़ता इन सवाल लोगों का यह है कि कुछ लोग फिलिस्तीनियों के फेवर में हैं कुछ लोग इसराइलियों के फेवर में हैं लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो वो एक जमीन की लड़ाई है हाँ, फिलिस्तीन कहते हैं कि वो हमारा देश है अंग्रेज हमारे दोषों को देश को कब्जा करा तो क्या कहेंगे आप हाँ अं� ये बात सही है पुराना ज़माने में जब एक नया रूल आया था ऑटोमेन वहाँ पे कुछ लोगों को साइड कर दिया था बाकी आहिते आस्ते जब ब्रिटिश आया उनका बैठा या बाकी फ़िलिस्तीनियों को अमेरिका भी बोला फिलिस्तीन किधर भी नहीं जाना चाहिए किधर भी खादरना चाहिए वो वहाँ पर ही रहेगा उसका जमीन है और जो ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस है ह्यूमेनिटी क्राइसिस है वहाँ पर मेडिसिन क्लॉथ फूड वाट आर सब कुछ भेजना चाहिए आ, जो ना जो गलत काम करता है उसको पनिशमेंट ले सब कुछ मिलके के मम्मी पापा जो जिसके घर में है बच्चों को संभाल के रखें ऐसे घटिया काम दुनिया में किधर नहीं होना चाहिए इससे पहले जैसे हुआ था और यूक्रेन के युद्ध में कितने महिला मुहिल महिला के साथ गलत काम हुआ उसको गोली मार दिया गया है तो ये नहीं होना चाहिए दुनिया में स्टॉप होना चाहिए ये युद्धों का टाइम नहीं आया अच्छा आपने जो पोएम लिखी है वो कौन सी पोएम है कुछ पढ़ के सुना सकते हैं हाँ पढ़ के सुना सकता हूँ सुनाइए কর্মবীর কর্মবীর মামি পাপা ঘর মানে সারে কর্মবীর নেতা সব লিখা হে কর্মবীর হে কর্মবীর সদিয়ো কদাবাহার মহানায়ক আপি তো হর্মবীর যুগো যুগো কতীক্ষা ওর আকাঙ্ক্ষাও কুরদ আপি তো হর্ম নারা জো দিয়া সব কাজ সব কাজ না হো অপমান हो रहा है गरीबों के लिए बहुत सारे काम रखे देश का मान पूरा हो लोगों का और मान गरीब घर गोर में जो पैदा हुआ समझते हैं और पहचानते हैं गरीबों का दुख हे मर्म हे कर्मवीर हे कर्मवीर शुदियों का सदाबहार महानायक आप ही तो हो हे कर्मवीर कैसे करो आभार भक्त जैसे मिला बहुत दिनों के बाद मुँह में घी सक और खीर गीता में भगवान कृष्ण ने कहा काम करते रहो फल का चिंता मत करो दुआ करो सालों से रुका हुआ काम सफल हो आ, दिलों की बात ख़ुद में भरो इतिहास नहीं भूला पाएंगे इस सुशासन और कुशासन मन में रहे आपकी तस्वीर हे कर्मवीर हे कर्मवीर सुदियों का महानायक नायक महा आप ही तो हो कर्मवीर ना रुके ना झुके अग्रगामी प्रगति का पथ पर दिखे आ, लुक्स है विजय पर स्थिर তিরস্কার কর নমস্কার করে অবচলিত রহকার আগে বাড়ে দিন রাত করে এক হামসব সাথ হে বুড়ি বা মিল রাহ মে অনেক সচ্চাই সিপাহি না বাঁধতে হ্যাঁ ব্যাপারী লেতা সুপারি সদা জন্মভূমি কো রাখে উঁচা সির अच्छा सुनील कुमार जी ये बताएं कि ये जो आपकी बुक है ये कहाँ पे अवेलेबल है और किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हाँ ए इंग्लिश में है ऑनलाइन में मिलता है अमेजोन में मिलता है मेन अमेजॉन में अमेजॉन है उसे कॉस्ट हंड्रेड फिफ्टी मैं थर्टी परसेंट डिस्काउंट दिया हंड्रेड रुपीज़ बाकी और किसी को चाहिए तो मैं बिजनेस नहीं करूँगा इंसान ने मद किया मेरा ऑनलाइन में है उसे ट्रांसलेट हर लैंग्वेज में कर दिया साउथ इंडियन लैंग्वेज हिंदी उर्दू अरबी सब कर दिया वो चाहे तो मैंने व्हाट्सअप में भेज दूंगा ऑनलाइन में कैसे सर्च करना है ऑनलाइन में गूगल में सर्च कर तो मिल जाएगा गूगल में भाई जरूरत नहीं मैं पैसे कमा क्या सर्च करना है आ, कौन सा बुक कौन सा किधर मिलता है फॉर ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिज्म ऑटोमेटिक आ जाएगा तो वहाँ पढ़ सकते हैं हाँ ऑनलाइन नहीं तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा वो सब अपना अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं मैंने करीब पंद्रह लैंग्वेज में मैंने किया साउथ इंडियन लैंग्वेज मैंने उर्दू अरबी हिंदी सब लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया बहुत बढ़िया बुक पढ़ सकते हैं मैं पैसे के लिए इनकम के लिए नहीं किया कॉमर्शियल के लिए लोग पढ़े तो आगे भी कुछ लिखने वाले हैं आप इसके बाद हाँ मैं कुछ गाना भी लिखता हूँ हिंदी इंग्लिश मेरा कुछ गाना गाया कुछ हाँ, कुछ सिंगर हाँ, मैं ये कंटिन्यू जारी रखेंगे इंसानी और नाते मैं जीऊंगा तो इंसानी और नाते जब मोड़ूंगा तो इंसानी और नाते इसके अलावा मैं नहीं जाऊँगा हाँ मैं सारे धर्मों को रि, रि, रिस्पेक्ट करता हूँ हंड्रेड परसेंट ऐसे नहीं होना चाहिए आप से मिल के रहना चाहिए ये जुद्धों का ये टाइम नहीं है बिल्कुल कोई युद्ध ना करे जो जिधर रहते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी है इंटरनल डेमोक्रेसी जाके डेमोक्रेसी जाके और बच्चों को आगे बढ़ाए एजुकेशन गुड एजुकेशन गुड तालीम 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 मेन है अच्छा कोई नेक्स्ट किताब आने वाली है आपकी और एक बुक लिखने वाले हैं मैं कविता लिखूंगा अच्छा। पोएम लिखूंगा आ, गाना इंसानियत लिखूं। इंसानियत के नाम पर जो है सुनील कुमार साहब ने लिखा है और इनकी किताब का नाम है फॉर ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिज्म और ये किताब व्हाट्सएप में भी अवेलेबल रहेगी अगर इनके नंबर पर आप मैसेज करेंगे साथ ही ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है अमेजन में भी अवेलेबल है इनका कहना है कि इनकी जो किताब है वो ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के ताल्लुक से लिखी गई है जिस तरह से आज के दौर में जंगें हो रही हैं और ये फिलिस्तीन का जो इसराइल का मामला चल रहा है इस पर भी उन्होंने अपने ख्याल का इज़हार किया है, है।